बिटिया का एडमिशन करवाना है जी। और मेरा बड़ा लड़का है ना, उसकी बीवी है, तो उन्होंने लव मैरिज किया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको बिटिया की तरह रखते हैं, बहू की तरह नहीं रखते हैं सर। आप लोग के आशीर्वाद से, सोमनाथ महाकाल के आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और उनको उनका गोल्ड है कि मेरे को आर्मी में जाने का है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग करवा देंगे आपका एडमिशन। आपका वीडियो मेरी ये बहुत देखती है, बहुत बड़ी और उन्होंने क्या बोला कि एडमिशन यही करवाना है मेरी बेटी का। तो मैंने बोला चलो इंदौर जाते हैं, मैंने फोन भी किया आपसे बात करने भी की, लेकिन थोड़ा आपका भी फोटो कॉल रहता है सर, और उसके हिसाब से आपसे बात नहीं हो पाई। तो हम गए, पहले महाकाल दर्शन किया, ओंकारेश्वर दर्शन कर दिया, और फिर बिटिया को छोड़ने के लिए यहाँ आपसे मिलने के लिए। क्या भैया क्या करते हैं भैया? उसका होटल का ये सब रेंट के ऊपर होटल चला दिया है जी। तो उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, आप छोड़ के आइए, एडमिशन वगैरह करवा दीजिए, फिर बाद में मैं आऊँगा सर से मिलूँगा। आप क्या करते हैं? मेरा भी होटल का ही है, रेंट के ऊपर हम लोग होटल चलाते हैं। मैं हाईवे पर चलाता हूँ, और वो है ना सोमनाथ मंदिर के बगल में चलाते हैं, सब होटल से जुड़े हुए। हम लोग वाल्मीकि समाज से बाहर के लोग हैं बहुत सारे, मतलब बाहर से आते हैं, क्या बोलते उसको, दर्शक लोग। हाँ, दर्शक है ना, तो काफी भीड़ वगैरह रहती है। हाँ, भीड़ वगैरह रहती है। और अब भी मैं सोमनाथ जी से प्रार्थना करूँगा कि आप जल्दी आइए, और मेरा नंबर पर्सनल ले लीजिए, हो सकता है तो आप बिल्कुल और मेरे को कॉल करिएगा, सब सुविधा वहाँ हो जाएगी आपकी, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अपना घर भी है वहाँ, होटल वगैरह भी है, खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूँगा, आप एक बार वहाँ आइए दर्शन करने के लिए। पूरे एजुकेशन कहाँ से आया आपने सर? पहले से 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, अगले साल SSC GD की दी थी, तो आप माइनर सेकंड से रनिंग में रह गए। इस बार अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और गुजरात पुलिस की टाइप में एग्जाम दी थी, तो उसमें 1 मार्क से रह गए। चलो इस बार हो जाएगा आपका। मैंने NCC क्लियर किया है और कराटे में नेशनल चैंपियन हूँ। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माता जी आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है पर आके? अच्छा अच्छा, बहुत मुझे आनंद हो गया आपको मिल गई है, मुझे लगा मैं सब कुछ जान गया। बहुत बड़ी फ्रेंड है आपका, वीडियो जब भी हाथ में आ जाता है देखती रहती हूँ। मैं शाम को होटल से आता हूँ तो बोलता है कि वो हीरो का फोटो लगाओ मेरे को देखना है। तो थोड़ा वो उस दिन मेरी बहने वगैरह थी, तो वो बोला कौन हीरो है, तो ये मेरा हीरो देखो ही। बेटा मेरा हीरो मेरा हीरो मेरा बेटा है। बेटा हूँ माता जी आपका। हीरो किसको बोलते हैं? बेटे को बोलते हैं। आप मेरे बेटे हो। सही बात, मेरा ही। आप कहाँ से है बेटा? महाराष्ट्र। जलगांव भुसावल ना। लंबाई कितनी आती है? सर वो अभी चेक नहीं किया, 168 का 169 है। 168 कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, बहुत आएगा। बुढ़े अच्छे से मेहनत करना, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे सास ससुर मिलते हैं जो अपनी बहू को ना बेटी मानते हैं। सारी बात को दादा ने क्या बोला कि मेरी बेटी है ना, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत खुशनसीब हो। समझ बात को कि ऐसे आपको सास ससुर मिले हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे से बना करना। और सक्सेस होने के बाद में जीवन भर इनको आपको सेवा करना है ना, ये नहीं करना है कि सफल होने के बाद में नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरा गुरु का मतलब वही होता है कि सतमार्ग चलाना है ना। माता जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बाबू जी का भी बहुत अच्छा व्यवहार है ना, बस दिल से मेहनत करना तो सब कुछ अच्छा होगा। इस बार आपका 101% हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जो हम बोले वो अच्छे दिन से मेहनत करना, दिनों 2 बजे सब कुछ अच्छा होगा। और माता जी बताओ कैसे हैं आप? बस बढ़िया।
सरकारी।